हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर के ऊपर। डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर के ऊपर। इंडियन ओवरसीज बैंक के अगर मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करें, तो मंथली कैंडल जो है काफी आपको अच्छा क्लोज हुआ है, स्ट्रांगली क्लोज हुआ है। 2015 के नवंबर मंथ के बाद फर्स्ट टाइम स्टॉक जो है इस लेवल पे आपको क्लोज हुआ है। लास्ट टाइम इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था 2015 के अक्टूबर मंथ में। उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहां पे स्टॉक ने इस लेवल के अराउंड में आपको क्लोजिंग दे दिया है। तो ऑलमोस्ट जो है यहां पे आपको 6 ईयर के बाद स्टॉक इस लेवल पे क्लोज हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मंथली चार्ट पे, हम लोगों को स्टॉक एक अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है। यहाँ से जो आपको नियरेस्ट रेसिस्टेंस है, जो स्टॉक का लिए फर्स्ट रेसिस्टेंस है, वो है आपको 37 का लेवल, जो कि आपको इस दिसंबर मंथ का हाई भी है। और उस लेवल से हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को भी मिला। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो प्रीवियसली भी स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लिया था। फाइनली सेकेंड टाइम जब फॉल कर रहा था, अगेन इस लेवल पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, उसके बाद नीचे स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया था। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पर ऑलरेडी हम लोग मंथली बेसिस में देख लिया है, जो ऑलमोस्ट 6 ईयर का लेवल्स ब्रेक हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे बिल्कुल स्टॉक जो है एक रेसिस्टेंस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक करेंटली क्लोज हुआ है 32 के लेवल पे। तो स्टॉक यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लेने के बाद अगर स्टॉक 37 के लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज दे देता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा वीकली बेसिस पे। स्टॉक को जो है आपको 37 के लेवल के ऊपर क्लोज होने दीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 से 2 वीक का समय ले सकता है स्टॉक। उसके बाद अगर स्टॉक 37 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको 50 और फिर 75 के लेवल की तरफ लेके जा सकता है। स्टॉक के पास एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल खुल जाएगा अगर स्टॉक यहाँ पे 37 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है। अगर आपके पोजीशन है, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशन लेना है तो फिर आपको वेट कीजिए, 37 के लेवल को क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।